हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो मैं कहीं जा रही हूँ घूमने। कहाँ जा रही हूँ? ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। बता सकोगी? अभी तू आप मीठा। अच्छा चलो ठीक है, बता से खा लो। तो फ्रेंड क्या हुआ कल कि मैं जा रही थी सब्जी लेने और मेरे बेटा और बेटी रोने लगे कि मैं भी चलूँगी मम्मी आपके साथ। बेटा ने कहा आपके साथ चलेंगे फुल्की खाने। तो फिर मैं बच्चों को लेके बाहर आ गई, दोनों बच्चों को लेके जहाँ मुझे सब्जी लेने थे। मैंने कहा ठीक है मैं आप लोगों को खिलाती हूँ। तो बेटा और बेटी मीठे वाले गोलगप्पे खाते हैं क्योंकि ये तीखा नहीं खा पाते। फिर उसके बाद मैंने इनको खिला दिया है, फिर मैं खा रही थी। और इस जगह पे बेटे ने फ़ोन को पकड़ा था, मैंने कहा मेरा भी थोड़ा सा शूट कर लो। और देखो ये है चौराहा मेरे गांव का जहाँ पे मैं रहती हूँ। और प्लीज़ गाइज, मैं आप लोगों से बहुत सारी बात करूंगी, आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं सारे कमेंट का आप लोगों को जवाब दूंगी एक एक करके। और गाइज फिर उसके बाद ये सुबह 4:30 बजे जब मैं जगी तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करती हूँ। फिर सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। बज रहे हैं सुबह के 4:30, सारे लोग सो रहे हैं, मेरे आंख में देखो नींद भरी। सो जाओ, 4:30 बजे 5 बजे जगेंगे। गुड नाइट गाइस। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मधुलिका यूपी RPL। तो फ्रेंड इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 5 बज रहे हैं और बेटू बिट्टू सो रहे हैं। पानी की आवाज आ रही क्योंकि पानी खुला हुआ है। और आपको दिखाते हैं क्या हुआ कल। कल मैं ये देख सकते हैं बर्तन मैंने नहीं साफ किए, बेसिन देख रहे हैं बेसिन बर्तन से भरा हुआ है। और बच्चों को दिखाते हैं आपको, ये देखो दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं, दोनों बच्चे अभी सो ही रहे हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद। फिर उसके बाद गाइस मैं, क्योंकि आपने देखा ही है मेरे बर्तन सारे पड़े हुए थे जिनको मुझे साफ़ करना था। मैं सुबह 5 बजे जग गई थी तो सबसे पहले मैं बेसिन साफ़ करती हूँ, बेसिन के यानी पहले बर्तन साफ़ करती हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद गाइस आज मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताऊँगी इस वीडियो में। तो गाइस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। और प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, आप लोग स्किप कर देते हो फिर कमेंट ऐसे ऐसे करते हो। तो प्लीज़ गाइज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों से बात करते करते मेरे बर्तन यहाँ पूरे बर्तन को मैं साफ कर लेती हूँ। और आप देख सकते हो मेरे बेटे का टिफ़िन वगैरह है, जैसे कि कल शाम को मैंने बर्तन ही नहीं धुले थे। कल थोड़ा सा मतलब मूड नहीं सही था, इसके वजह से मैंने बर्तन ही नहीं धुले हैं। और मैंने कहा चलो सुबह जल्दी उठती हूँ। अच्छा सुबह मैं पहले जग गई थी मैं, वही 4:30 बजे जग गई हूँ। फिर आलस आ गया, फिर मैं वापस सो गई हूँ। और फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे मतलब मैं सो गई, मैंने कहा चलो वापस सोती हूँ फिर 5 बजे जगती हूँ। अच्छा मैं 5 बजे जग गई, बेटा जाता है अब 7:30 बजे क्योंकि ठंड अब काफ़ी पड़ने लगी, काफ़ी हद तक ठंड पड़ने लगी है तो टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया। ऐसे पहले 6:30 बजे तक चला जाता था, अब 7:30 बजे जाता है तो 1 घंटे का मुझे टाइम एक्स्ट्रा मिल गया है। तो उसी टाइम में मतलब मैं अब कर लेती हूँ काम। तो थोड़ा सा मैं लेट जगती हूँ, जैसे बर्तन भी पड़े हैं तो उनको मैं सुबह धुल लेती हूँ और बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं। और गाइस फिर उसके बाद बेटे के साथ थोड़ा मस्ती कर लेती हूँ, बच्चों के साथ बाहर चली जाती हूँ, थोड़ा सा मन बहल जाता। और यहाँ रखी थी आलू बॉयल होने के लिए, तो आलू मेरी बॉयल हो गई, उनको मैं छील रही हूँ क्योंकि बेटे ने मेरे जिद किया था कि मुझे लेके जाना है आज बर्गर। तो मैंने कहा चलो ठीक है क्योंकि आज गुरुवार
बुधवार है, गुरुवार को मनपसंद लंच दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू को छील रही थी और गाइस मेरे के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मेरी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सारे लोग जानना चाहते हैं, तो मैं एक एक करके सब कुछ बताऊँगी। और सारे लोगों ने कहा कि दी आपने क्या दूसरी शादी की, आपने कैसे की, आपने क्या किया, आपका मतलब आपके हस्बैंड कहाँ हैं, आपके बच्चे के साथ में आपके हस्बैंड नहीं दिखते हैं, आप दो बच्चों के साथ ही अकेले रहते हो। तो गाइस प्लीज़ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि बिना किसी के हम बारे में हम जाने कुछ जज नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, ये शायद सही समय नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को अभी कुछ बता नहीं सकती हूँ। मगर हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ वक्त आने पे मैं आप लोगों को सब कुछ सच सच बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं और क्यों नहीं आते, और मैं क्यों दो बच्चों के साथ ही रहती हूँ, बाकी दो बच्चे और मैं और बाकी चौथा इंसान आपको क्यों नहीं दिखता, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और रही बात लव मैरिज शादी करने की, तो लव मैरिज शादी में तो मतलब अगर लव मैरिज शादी करना गुनाह नहीं है, अगर पति थोड़ा सा साथ देता है तो लव मैरिज शादी जो है सक्सेस अगर हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और ज़्यादातर सक्सेस नहीं होती हैं। मगर क्या किया जाए, इंसान को बाद में पछतावा होता है इसी बात को, अगर यही पहले पछतावा हो जाए तो शायद ऐसी मतलब ऐसी नौमत ना आए ना, कहते हैं ना जब इंसान के ऊपर बीतती है तभी इंसान समझ सकता है, इस बात को समझता है और नहीं करता। मगर हाँ, एक बार कहते हैं जब दाल में नमक कोई डाल के चीखता है कि दाल में नमक ज़्यादा हुआ या कम, भी बार बार नहीं, जो इंसान से गलती हो जाती वो सामने वाले से यही बोलेगा कि प्लीज़ आप ऐसा मत करना, ऐसी गलती मत करना। और गाइस आप लोगों से बात करते करते देख लो यहाँ पे मतलब आलू को मैंने छील लिया था, फिर इसमें थोड़े से मसाले ऐड किए थे, जैसे कि मैंने थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड किया हल्का सा, और इसमें हल्की सी हल्दी ऐड किए थे, फिर उसके बाद मैंने हींग इसमें ऐड किया और जीरा और नमक डाल के इसको मतलब अच्छे से मैं फ्राई कर दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब खाने में टेस्टी हो जाए। और वैसे मुझे तो खाना नहीं है, मेरा आज व्रत है, क्योंकि आज है गुरुवार, गुरुवार के दिन मैं रहती हूँ व्रत, तो मैं नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए ही, तो आज तो खाना सुबह मेरा कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चों को नाश्ते में रोज़, जैसे आपको मालूम है, आप मेरी ब्लॉग देखते होंगे, आपको पता होगा कि मैं रोज़ इनको दलिया देती हूँ, सुबह मॉर्निंग में दलिया खा के जाते हैं, फिर उसके बाद इनका लंच जो भी रहता है। तो ये देखो मेरी दलिया है, पहले इसको इंडक्शन में पका रही थी, फिर इस साइड में, और फिर गाइस देखो मतलब जो इसका मैंने बनाया था बर्गर का, इसको निकाल के नीचे रख ली हूँ, और फिर इसके बाद इसको हाथ से अच्छे से मेस दूंगी, क्योंकि थोड़ी सी गुलथी नहीं रहनी चाहिए, नई आलू है, नई आलू थोड़ा टाइम रखो तो गुलथी टाइप की पड़ जाती है। फिर उसके बाद गाइस देखो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, दो ऐसे टिक्के टाइप के बना लेंगे, और सामने रखा हुआ बन, बन मैं कल ही लेके आ गई थी बेटे के साथ में, और फिर उसके बाद देखो ऐसे करके टिक्की को मैंने बना लिया। इस तरीके से अगर बर्गर बनाओ तो बहुत ही लाजवाब और बहुत आसानी तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से बनता है। और फिर इस साइड में मैं उसके टिफ़िन में सेब को मतलब काट के रख रही थी, क्योंकि उसका लंच एक दो लंच होते हैं उसके यहाँ, एक फ्रूट का होता है, तो इसको काट के पहले से ही रख दूंगी। और देखो मेरे बर्गर बन के रेडी हैं, और बर्गर बहुत ही यम्मी बने थे, बट मैं तो आज भाई उपवास हूँ तो मैंने नहीं खाया, तो बेटे को 1/2 दी हूँ, क्योंकि इसके फ्रेंड वगैरह रहते वो भी खाते हैं, तो बोलता मम्मी मुझे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा करके दो। और यहाँ पे देखो बॉक्स बंद कर दे, यानी टिफिन बॉक्स लग गया, अब चलते हैं बेटे तो के, मिलवाते हैं बेटू से। बेटू जग गए हैं और आज बिना कहे रेडी भी हो गए बहुत हद तक। तो बेटू गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग कर रहा है, हाई फाइव, हाई फाइव, बाय हाथ से ये कर रहा है। बच्चों के साथ खुश रहने की कोशिश करते हैं हम लोग, अब कैसे हाथ मिला क्योंकि एक हाथ से पकड़े हुए मोबाइल अच्छा, इस वाले हाथ से, अच्छा एक मिनट, हाँ ऐसे ऐसे करके, अच्छा सॉरी मुझे आता नहीं ना उतना, हेलो बहुत मीठा है। ये देखो पता कैसा मैं, ये गला भी वैसे हिलाता है, ये देखो। तो
बेटू आज हमारे रेडी हो गए और नाश्ता कर रहे हैं। ये देखो नाश्ते में हमारे बच्चे रोज दलिया खाते हैं और दलिया बच्चों को खिलाना भी चाहिए क्योंकि दलिया जो है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है स्वास्थ्य के लिए। और बड़े भी खाना चाहिए बट बड़े जो है उतना पचा नहीं पाते मगर बच्चे पचा लेते हैं। और दलिया जरूर बनाना चाहिए, मेरे बच्चों को बहुत पसंद। और बिटिया तो हमारी देखो बिटिया रानी सोने पड़ी, ये देखो उल्टा लेती हुई ऐसे उल्टा करके लेती। तो चलिए गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद, और अभी सारा काम बाकी है तो मिलती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। फिर उसके बाद गाइस मैं बेटे को छोड़ के चली आई हूँ, उसके बाद का ये वीडियो है। और गाइस मैं आप लोगों से बात करती हूँ लव मैरिज शादी में। और शादी मेरी एक फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा परेशान, हस्बैंड ने छोड़ दिया, बच्चे हो गए, इस समय केस भी चल रहा। बताओ ऐसे हस्बैंड के ऊपर भरोसा किया जाता है? बच्चे होने के बाद छोड़ दो और दूसरी औरत के साथ में वो रह रहा, दूसरी औरत के साथ में आँख के नीचे उसके रहता है, कितना दर्द होता है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं